हाई गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल खुशी एजुकेटर सो आज हम डिस्कस करेंगे एन सी वेब के बारे में सो ये स्कायस एज एज़ यूजल एन सी वेब की सेकेंड कट ऑफ आ चुकी है रिलीज़ हो चुकी है सो so, मैं बता देती हूँ एन सी वेब होता गया है सो ये स्काइज एन सी वेब कॉलेज जो होता है वो बेसिकली गर्ल्स के लिए होता है सो so, इसका इंटरफेस एज सच दिखता है आपको ऊपर ऑन द टॉप शो हो रहा होगा एन सी वेब डॉट डी यू डॉट ए सी डॉट इन ओके आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है ठीक है अब हम बात करते हैं इसके कोर्सेज़ के बारे में सो ये इस कोर्सेज के बारे में बात करते हैं तो मैं बता देती हूँ इसमें कुल तीन कोर्सेज़ हैं ओके बी ए बी कॉम एंड एम ए इन तीनों कोर्सेज़ में आपके पास चॉइस होती है अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं सो ये शिकायत आपके पास बी ए और बी कॉम में चॉइस है बट या yeah, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो आपको एम ए ही लेनी पड़ेगी यहाँ पे एम कॉम का ऑप्शन नहीं है वैल well, हमारे पास यहाँ पे स्टडी मटीरियल भी आ जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती कोई प्रॉब्लम नहीं होती जो एस यू एल का स्टडी मटीरियल होता है वही आपको प्रोवाइड किया जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से अब हम बात करते हैं यहाँ पे कॉलेजेस कितने हैं ये गाइस कॉलेजेस के बारे में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हमें जो है अच्छा कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा सो ये गाइस आपको ऐसा सच कुछ नहीं है कि मतलब सबसे बुरे कॉलेज ही प्रोवाइड किए जाते हैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज़ भी मिलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे टीचिंग सेंटर में जाकर ये देखिए जैसे मैं टीचिंग सेंटर पे क्लिक आउट करूँगी अब मेरे पास ये सारे कॉलेजेस आ गए जो जो हमारे जो जो एन सी वी एफ कंडक्ट करते हैं सो सीएंस गाइस अदिति महाविद्यालय आर्यभट्टा कॉलेज भागिनी निवेदिता कॉलेज भारती कॉलेज कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज दयाल उपाध्याय कॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉलेज हंसराज कॉलेज जे डी एम कॉलेज जीजस एंड मैरी कॉलेज कालिंदी कॉलेज केशव महाविद्यालय कॉलेज लक्ष्मीबाई कॉलेज महाराजा अग्रसेन कॉलेज मैट्रिय कॉलेज माता सुंदरी कॉलेज मिरांडा हाउस मोतीलाल नेहरू कॉलेज पी जी डी ए वी कॉलेज राजधानी कॉलेज कॉलेज सत्यावती कॉलेज एस जी जी एस सी ऑफ कॉमर्स एस पी एम कॉलेज श्री और कॉलेज विवेकानंद कॉलेज तो ये स्कायस आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बींगा कल अगर आपका रेगुलर में एडमिशन नहीं होता है सो एन सी आपके पास सेकेंड ऑप्शन आ जाता है अब हम बात करते हैं इसमें कि आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है फ़ीस का सो ये स्कायस आपको यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है तो मैं आपको दिखा देती हूँ हमें जाना है सबसे पहले अकेडमिक्स पे सो so, आपके पास ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं तो मैं बीए का भी सिलेक्ट करूँगे सो ये स्कायस आप देख सकते हैं आपके पास सब कुछ इंफॉर्मेशन आ जाएगी टीचिंग पेपर्स आ जाएंगे कि भाई जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुए थे वो सब आपको दिख जाएंगे मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ टीचिंग पेपर फॉर बी प्रोग्राम सेमेस्टर वन एंड सेमेस्टर थ्री सो आप देख ही सकते हैं ये देखिए अब हमारे पास एक एक सिलेबस आ जाएगा आप यहाँ पे देख ही सकते हैं जैसे कि हमारे जितने भी सेमेस्टर होंगे उसमें कौन कौन से कोर्सेज़ होंगे अवेलेबल ओके अब हम अगले उस पर चलते हैं अगला जो है कोर्सेज़ एंड कॉम्बिनेशन अब हम एन सी बेब स्टूडेंट हैं तो हमारे पास कौन कौन से कॉम्बिनेशन के कोर्सेज होंगे तो यस अब हम देख लेते हैं आदित्य महाविद्यालय में मेरे पास जो कॉम्बिनेशन है वो है इकनॉमिक्स प्लस पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस सो यस ख़ास आपके पास भी ऐसे चॉइसेस होंगे तो आप ये चीज़ें देख लीजिए ठीक है अब हम बैक करते हैं जैसे मैं बैक करूँगी तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेबस आपको एनुअल मोड का दिख जाएगा वेल well, आपका जो पैटर्न होगा वो सी बी सी बी सी एस मोड होगा क्योंकि एनुअल मोड डी छोड़ चुका है ओके सो ये स्काय सी बी सी एस मोड क्या होता है अब मैं बता देती हूँ सी बी सी एस मोड में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है आप मार्क्स गेन कर सकते हैं बाय और असाइनमेंट्स ये गाइस ट्वेंटी फाइव मार्क्स के यहाँ पे असाइनमेंट होता है और बाकी मार्क्स का पेपर होता है अब हम फीस स्ट्रक्चर पे चलते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे फीस स्ट्रक्चर दिख रहा है तो मैं क्लिक जैसे करूँगी बी का फीस स्ट्रक्चर देखने के लिए सो ये गाइस गाय सब मेरे सामने आ जाता है ये देख लीजिए एक एक चीज़ हमें यहाँ पर मैंशन कर रखी है कि हमारी जो एनअल फीस है वो थ्री है लाइब्रेरी फ़ीस है वो टेन रुपीज़ है एनरोलमेंट फीस जो है वो टू हंड्रेड रुपीज़ है सो येस टोटल जो हमारी फ़ीस है वो आप देख सकते हैं थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड सिक्सटी फाइव है एंड या yeah, अगर आप पी डब्ल्यू डी स्टूडेंट्स हैं तो आपको सिर्फ हंड्रेड रुपीज़ ही पे आउट करने हैं सो येस अब हम बात करते हैं यहाँ पर बी कॉम की सो so, सो सूरी स्का ये आप देख सकते हैं मेरे सामने बी कॉम का स्ट्रक्चर खुल चुका है वही सेम प्रोसेस है टीचिंग पेपर में आपको दिख जाएगा कि ओवरऑल कितने सेमेस्टर में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आएंगी ओके okay? सिलेबस में आपको पता चल जाएगा कि बी कॉम में कौन कौन सा सिलेबस आपके पास आ रहा है फॉर एग्जाम्पल मैं बी कॉम स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता ही है उसमें जो होते हैं पाँच यूनिट्स आते हैं और पाँच यूनिट के अंदर कौन कौन से सब पॉइंट्स आने होते हैं वो सब आपको इस सिलेबस में शो होते हैं ओके okay? अब फीस और स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं वेल well, मैं आपको फ़ीस ही बताने के लिए आई हूँ आज बेसिकली सो so, यस गाइस फ़ीस और स्ट्रक्चर पे मैं जैसे क्लिक आउट करूँगी तो आप देख सकते हैं कि एनुअल फ़ीस मेरी जो है थ्री हंड्रेड है लाइब्रेरी फ़ीस मेरी जो है टेन है एंड यस yes, एनरोलमेंट फ़ीस मेरी टू हंड्रेड है, है तो टोटल तो जो मेरी फीस है सेमेस्टर वाइज गाइस सेमेस्टर वाइज है हर छः महीने में फ़ीस आपकी जाएगी तो ये yes स्कायज ये है मेरी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड सिक्सटी फाइव एज़ कम्पेयर टू बी ए ये थोड़ी सी ज़्यादा है ठीक है अब हम बात करते हैं अगर आप पी डब्ल्यू डी स्टूडेंट हैं अगर आप पी डब्ल्यू डी आप डिसेबल हो सो ये गाइस आपको हंड्रेड रुपीज़ चार्ज करने हैं सो ये गाइस ये था हमारा अंडर ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ठीक है सो so येस yes, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड टू एन सी वेब सो आई कैन सॉल्व इट बिकॉज आई एम ऑल्सो एन सी वेब स्टूडेंट ओके वेल एन सी वेब में आ रहे हो अगर आप तो मैं पहली एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि जो आपकी कट ऑफ्स है उसी पे मेंशन कर दिया जाता है कि आपको कब कब आना है यस yes, गाइस अगर मेंशन नहीं है इस बार सो हाउ कैन यू रिलाइज़ कि आपका जो कॉलेज है वो सैटरडे है या संडे है तो मैं आपको बता देती हूँ हम अब जाएंगे यहाँ पे सो यस गाइस अब हम यहाँ पे आएंगे यहाँ पे अब आप देखेंगे लेफ्ट साइड पे आपको दिखेगा यहाँ पे आ, एक मिनट सो ये स्काइज अब आप देख ही सकते हैं यहाँ पे मुझे क्या ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे एन सी वेब यू जी बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन टू थाउजेंड नाइनटीन से ट्वेंटी सो ये स्काइज आपको यहाँ पे क्लिक करना है वेल well, अगर आप कह रहे कि ओल्ड डेटेड है तो फिर भी मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कॉलेज जो सैटरडे को ओपन होते हैं वो सैटरडे को ही ओपन होंगे इस बार भी एंड इन फ्यूचर आल्सो ओके सो ये स्काइस ये डॉक्यूमेंट मेरा अभी डाउनलोड हो रहा है इट टेक जस्ट अ टाइम आई एम जस्ट वेटिंग हो चुका है ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड सो ये स्काइस ऐसा आपके पास प्रोस्पेक्टस खुल जाएगा सो so मैं अब आपको बता देती हूँ कि कौन सा कॉलेज कब खुलेगा इसके अकॉर्डिंग सो ये स्काइस so yes इसमें सारी चीज़ें एक टू जेड आपको लिख कर दे रखी है ठीक है आप इसको रीड आउट अगर करना चाहते हैं तो कर लीजिए अदरवाइज़ मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ मेरी साइड से तो सो ये स्काय सब आप देख ही सकते हैं अदिति महाविद्यालय ओके okay. आर्यभट्टा कॉलेज यहाँ पे ये यह जो स्टार आपको दिख रहा है आर्यभट्टा कॉलेज के साइड में ठीक है भागिनी निवेदिता कॉलेज यहाँ पे भी स्टार बना हुआ है सो ये स्काय आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे स्क्रॉल इसलिए धीरे करूँ ताकि आपको पता चल जाए ठीक है अब आप देख ही सकते हैं यहाँ पे हंसराज कॉलेज देख लीजिए जीजस एम मैरी कॉलेज देख लीजिए केशव महाविद्यालय देख लीजिए ओके यहाँ पे आपके पास कोई भी स्टार यहाँ पे शो नहीं हो रहा इस पेज पे अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं ठीक है ठीके? तो ये स्काइज हम यहाँ पे देख सकते हैं तो इन स्टार्स का मतलब क्या है मैं अब आपको बता देती हूँ वेल इन स्टार्स का मतलब ये है कि जो जो कॉलेज सैटरडे को खुलेंगे उनके आगे स्टार्स हैं ओके जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था केशव महाविद्यालय एंड हंसराज कॉलेज सो so, ये स्काइज इसमें क्या है ये जो कॉलेजेस है ये हमेशा से आपके लिए सैटरडे को खुलेंगे ओके okay? सैटरडे के अलावा जब जब हमारी जब जब, जब, जब जो रेगुलर बच्चों का जब समर वेकेशन होता है एंड यस विंटर वेकेशन की छुट्टी होती है सो so ये स्काइज इस आपको तब आना है ओके सो येस गायस आप फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे देख ही सकते हैं ऐसा चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी अब हम बात करते हैं अटेंडेंस की सो यस गायस मैं अटेंडेंस आपको बता देती हूँ यहाँ पे जो अटेंडेंस आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए मिनिमम सिक्सटी सिक्स यस गाइस अगर इससे कम होगी तो आपकी जो परसेंटेज आपकी अगर परसेंटेज सिक्सटी सिक्स से कम होगी सो यस गाइस आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि असाइनमेंट्स में ये लोग मार्क्स भी नहीं देंगे फिर फाइव मार्क्स के तो अटेंडेंस होती है ओके okay, फिर उसके बाद अगर आपकी इस रियलिटी में ही मतलब कोई मेडिकल इशू है या कुछ है तो आप छुट्टी ले लीजिए कोई नहीं आप मेडिकल एड्स या इशू आप उनको दिखा सकते हैं बट येस गायस अदरवाइज आप छुट्टी मत ही लेना मेरी तरफ से तो क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये एन सी वेप में अटेंडेंस बिकॉज ये एक तरीके से रेगुलर ही डिग्री होती है फॉर द गर्ल्स ठीक है आपको यहाँ पे सिर्फ चालीस दिन आना होता है कॉलेज यस गाइस पूरे छः महीने में आपको सिर्फ चालीस दिन आना होता है अप्रोक्स एक महीना ठीक है एक महीना आप आइए एंड अटेंड करिए अच्छे से क्लासेस बस अब हम बात करते हैं यहाँ पे डीटीसी बस पास यस गाइस यहाँ पे बस पास की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है फॉर द गर्ल्स अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर uh, एग्ज़ाम्पल आप नियर बाय स्टूडेंट नहीं हैं आप थोड़ा दूर रहते हैं सो ये सब आप बस में ट्रैवल करते होंगे सो so, आप बस पास कॉलेज में बनवा सकते हैं अपना ठीक है बस पास एज़ कंपेयर टू रेगुलर पेमेंट से तो बहुत ही ज़्यादा चीप होता है तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप बस पास बनवाएँ सो यस गाइस बस पास जो होता है वो यहाँ पे बनेगा टू हंड्रेड सिक्सटी फाइव रुपीज़ का ओके okay. अब हम बात करते हैं यहाँ पे हिंदी की ये yes, गाइस आप अगर यहाँ पे एडमिशन ले ही रहे हैं तो मैं बता देती हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का रूल है फॉर द बी एंड द बी कम स्टूडेंट्स ओके अभी हम पीजी स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं करेंगे अभी हम सिर्फ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं सो so, यस yes, गाइस इसमें जो है आपकी हिंदी जो है वो कंपल्सरी है ओके okay? आपका पेपर भी होता है इन सेकेंड सेमिस्टर आई रिमेम्बर एंड फर्स्ट सेमिस्टर में आपका ईवीएस कंपल्सरी होता है सब्जेक्ट ओके okay? सो येस गाइस हिंदी के लिए भी आप प्रिपेयर रहिएगा क्योंकि इसमें दोहे आते हैं मेरे में तो दोहे थे क्योंकि मैंने टेंथ तक पढ़ी थी तो मेरा इतना एडवांस लेवल नहीं था सो यस गाइस मेरे में दोहे वोहे थे और फॉर्चुनेटली मेरा पेपर भी नहीं हुआ मैं बहुत खुश हुआ ओके सो यस गाइस ये है आपका स्ट्रेटजी डाउट एंड येस अगर आपको कोई भी डाउट है सो so येस yes, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं आई विल सॉल्व योर डाउट्स सो या टिल देन Stay happy and bye.